से करेक्शन हो और फिर हम दोस्तों मैं हूं घनश्याम और आप देख रहे हैं घनश्याम टेक। दोस्तों बैंक निफ्टी की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए बैंक निफ्टी ने जो हमारी क्लोजिंग दी है 35,141 के आसपास हमने क्लोज दिया है फ्राइडे के सेशन में। जो हमने हाई लगाया है 35,434 का हमने हाई लगा के हमने 35,141 के आसपास यहाँ पे आके क्लोजिंग दी। यहाँ पे हम ऊपर ओपन हुए थे, जब फ्राइडे के सेशन में हम ओपन हुए थे तो 35,342 के पास हम ओपन होके आके नीचे हमने क्लोजिंग दी है, इसलिए ये कैंडल यहाँ पे रेड बनी हुई है। लेकिन अगर कल की प्राइस यानी गुरुवार की प्राइस से देखेंगे तो गुरुवार पे हम क्लोज थे 35,095 पे। हम यहाँ से लगभग जाके 50 पॉइंट ऊपर जाके हमने यहाँ पे क्लोज किया है बैंक निफ्टी में। लेकिन ऊपर से हम नीचे की साइड में आए थे तो ये ध्यान रखना है आपको। अब देखिए बैंक निफ्टी में जो सपोर्ट है, जैसा था कि मेन सपोर्ट जो हमारा यहाँ पे बना हुआ है डेली चार्ट पे, जो सपोर्ट है वो यहाँ पे 34,300 का, जिसको हमने पहले रेजिस्टेंस फेस किया था उसको हमने क्रॉस करके हम ऊपर की साइड में गए। प्राइस अब देखिए ब्रेकआउट के बाद हम बहुत अच्छे से प्राइजेशन को फॉलो कर रहे हैं, डेली चार्ट पर भी हम प्राइजेशन को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए हम ऊपर की साइड में गए फिर नीचे हम यहाँ पे आए, प्राइजेशन कितने अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे हमने एक डबल बॉटम बनाया, वापस जब यहाँ से हमने क्रॉस किया, स्टैंड लाइन को हमने क्रॉस किया, बड़ी कैंडल यहाँ पे बनी, बड़ी मूवमेंट मिली, मार्केट यहाँ पे अपने आप को होल्ड किया, मार्केट ने अपने आप को रोका, थोड़ा सा प्राइजेशन नीचे की साइड में करेक्शन हुआ, जिन्होंने बड़ा प्रॉफिट बनाया उन्होंने प्रॉफिट यहाँ पे बुक किया, वापस मार्केट यहाँ से निकला, मार्केट ने फिर से यहाँ पे पॉज लिया है, फिर से अब मार्केट ऊपर की साइड में यहाँ पे निकला है। अब यहाँ पे एक रेड कैंडल ऑलरेडी बन चुकी है, हो सकता है मार्केट यहाँ से फिर से निकलते हुए इस साइड से मूव करते हुए आपको यहाँ से दिखाएगा और मार्केट इस साइड में चलते हुए आपको दिख रहा है। प्राइजेशन बहुत अच्छे से मार्केट फॉलो कर रहा है, तो आप भी प्राइजेशन को अच्छी तरीके से फॉलो कीजिए। जब भी ये पिछले सपोर्ट लेवल के आसपास में बायर यहां पे एक्टिव हो जा रहे हैं, तो अगर ये किसी भी कंडीशन में यहां पे 34,500 के आसपास मिलता है तो यहां पे आप देखेंगे बायर यहां पे फिर से आपको एक्टिव होते हुए दिखेंगे। जैसे ये ऊपर से नीचे की साइड में आया, जब भी यहाँ पे पिछले ब्रेकआउट के पास में आया बायर यहाँ पे एक्टिव हो गए थे, तो ये ध्यान रखिएगा जब भी ये पिछले अपने जो ब्रेकआउट लेवल है उसके पास में आएगा तो यहाँ पे बायर एक्टिव होंगे। अगर यहाँ पे बायर एक्टिव नहीं होते हैं थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा। मान लीजिए अगर इस रेंज को ब्रेक करता है तो हमारे पास जो सपोर्ट है वो ये लाइन है, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है हमारा, इस ब्रेकआउट का इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है वो 34,300 और 34,200 का लेवल यहाँ पे बना हुआ है, तो उस पर आप नज़र बना के रख सकते हैं अगर आप पोजिशनली ट्रेड कर रहे हैं तब यहाँ पे। अब चलिए देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी को हमें मंडे के सेशन में किस तरह से बाइंग करना है और बैंक निफ्टी के जो कंपोनेंट हैं वो किस तरह से मूव कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा अगर बैंक निफ्टी आप ट्रेड करते हैं, बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड करते हैं, तो बैंक निफ्टी के कंपोनेंट पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बैंक निफ्टी के कंपोनेंट के मूव से ही आपका बैंक निफ्टी चलता है और उसी तरह से आपका ऑप्शन मूव करेगा। अगर बैंक निफ्टी के कंपोनेंट में ज्यादा पावर नहीं बची है, मतलब रेजिस्टेंस के पास बैठे हुए हैं, वहां पर ज्यादा मूवमेंट हमें नहीं दिख रही, तो ध्यान रखिएगा बैंक निफ्टी में भी आपको वो मूवमेंट नहीं दिखेगी। अब चलिए देखते हैं कि 15 मिनट के चार्ट पे हमें बैंक निफ्टी मंडे के सेशन में कहां पे बाइंग और कहां पे सेल कर सकते हैं। अब यहां पे देखिए 15 मिनट के चार्ट को अगर देखेंगे तो 15 मिनट के चार्ट पे कुछ ज्यादा मूवमेंट हमें फ्राइडे के सेशन में ज्यादा होती हुई दिखी नहीं, तो यहां पे हमें एक ट्रेंड लाइन आपको दिखेगी और हम इस चैनल में ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं, जो 15 मिनट का चार्ट है हमारा इस चैनल के अंदर में हम यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट है ये लेवल, अगर इस लेवल को अब निकालता है मंडे के सेशन में या इसी रेंज के आसपास हम ओपन होते हैं और इसको क्रॉस करते हैं तो एक मोमेंटम आपको बैंक निफ्टी में बनते हुए दिखेगा, तो इस लेवल को आप नज़र बना के यहाँ पे रखिएगा। जो हमारा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ पे है, ये जो रेंज है वो है 35,250 के ऊपर की। तो हम बैंक निफ्टी को बाइंग कहाँ पे करेंगे, हम बाइंग करेंगे 35,250 के ऊपर अगर निकलता है तो हम इसको बाइंग करेंगे। हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 35,380 का, सेकंड टारगेट होगा 35,480 का और थर्ड टारगेट हमारा यहाँ पे होगा 35,620 का। ये तीन टारगेट हमारे बैंक निफ्टी में रहेंगे अगर बैंक निफ्टी इसी रेंज के बीच में ओपन करके निकलता है तो। मान लीजिए अगर बैंक निफ्टी कल गैप अप ओपन हो जाता है, गैप अप ओपन होता है कहाँ पे, 35,400 से 35,300 के बीच में अगर गैप अप ओपन होता है तो भी यहाँ पे अगर जैसे ऊपर की साइड में निकलेगा हम यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। अगर ये 400-500 पॉइंट गैप अप ओपन हो जाएगा तब आपको वेट करना पड़ेगा प्राइस एक्शन का या फिर कैंडल बनने दीजिए एक, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है। सबसे आइडियल सिचुएशन ये होगी कि बैंक निफ्टी 35,100 से लेकर के 35,300-35,250 के बीच में ओपन हो और फिर उस रेंज को क्रॉस करेगा तब हमें यहाँ पे एक मोमेंटम मिल सकता है जिसको हम प्ले करेंगे। नीचे की साइड में जो आपको सपोर्ट दिख रहा है वो 35,000 के आसपास में है, तो सेल करने
अब देखिए सेल करने के लिए हमारे पास इंपॉर्टेंट जो लेवल है 35,000, लेकिन हम डायरेक्ट 35,000 के पास सेल नहीं करेंगे। ध्यान रखिएगा यहाँ पे आएगा मार्केट तो मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेगा, तो हमें यहाँ पे क्या वेट करना है, हमें यहाँ पे एक रेंज बनने देना। हो सकता है वो रेंज 34,800 से 35,000 के बीच में बने, हो सकता है वो रेंज 35,000 से लेकर के 35,200 के बीच में ही बने। और जब इस रेंज बनने के बाद ब्रेक करे, कम से कम आधे घंटे 45 मिनट यहाँ पे ट्रेड करने के बाद इस रेंज को ब्रेक करेगा तभी हमें शॉर्ट करना है, ये ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे डायरेक्ट इसी फ्लो में आएगा तो तुरंत यहाँ पे शॉर्ट मत कीजिए, यहाँ पे एक रेंज बनने दीजिए, उस रेंज को हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। अगर ये 35,000 के बीच में रेंज बनाता है और इस रेंज को ऊपर की साइड में ब्रेक करता है ना, तो वापस ये 35,250 के पास तक जाने की कोशिश करेगा बैंक निफ्टी। तो यहाँ पे नज़र बना के रखिएगा, सबसे आइडियल सिचुएशन ये होगी सेल करने के लिए कि मार्केट एक रेंज बनाए, उस रेंज को नीचे की साइड में ब्रेक करेगा तब हम सेल करेंगे। अगर रेंज बना के नीचे की साइड में ब्रेक नहीं करता है, मतलब यहां पे बायर एक्टिव हो गए, फुल मूड में बायर आ चुके हैं, तो ये इसको वापस 35,250 और 35,350 के पास तक बैंक निफ्टी को लेके जाएंगे। तो अगर आप भी हमारे प्रीमियम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के जरिए जाकर आपको जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक्स या एलायंस ब्लू में से किसी एक में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए, और डीमैट अकाउंट ओपन करने के बाद में आप हमारी फ्री ट्रेनिंग भी ले सकते हैं और आप हमारे प्रीमियम ग्रुप में जुड़ जाएंगे। फ्री ट्रेनिंग के लिए आपको जो आपने डीमैट अकाउंट ओपन किया उसी में आपको एक्टिव होकर ट्रेड करना पड़ेगा। अब हमारा जो पहला स्टॉक है यहां पे वो है हमारा एयू बैंक। तो एयू बैंक में ध्यान से देखिए, तो यहां पे अगर डेली चार्ट में 1005 के ऊपर अगर ये क्लोज करता है तो आप इसे लेके जा सकते हैं 1050 के टारगेट के लिए। एसएल आपको 980 का लगा के रखना पड़ेगा। एक्सिस बैंक जो सपोर्ट है वो यहां पे 730 के आसपास है, तो यहां पे नजर बना के रखिएगा। बंधन बैंक 300 के ऊपर अब क्लोज कर रहा है, तो जिनके पास पोजीशन वो एसएल जरूर यहां पे 290 का आप लगा के रखिए, क्योंकि यहां पर भी एक प्राइस एक्शन बन रहा है। तो अगर ये 305 के ऊपर क्लोज करे तो मुझे लगता है 320 के पास तक जा सकता है। फेडरल बैंक जिनके पास पोजीशन है बने रहिए, ऑलरेडी मैंने 84 पे इसको रिकमेंड किया था, अब एसएल को ट्रेल करके लगा लीजिए 8750 का एसएल यहां पे लगा के बने रहिए। ध्यान रखिएगा 9091 एक रेजिस्टेंस इसके लिए फेस कर सकता है ये। एचडीएफसी बैंक, अब एचडीएफसी बैंक अगर ये 1520 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो ये बैंक निफ्टी को बहुत तेजी से ऊपर की तरफ लेके जाएगा। तो एचडीएफसी बैंक पे खास तौर पे आप लोग नजर बना के रखिएगा, HDFC, ICICI और SBI पे ये काफी बुलिश यहाँ पे मुझे लग रहा है। तो 1520 के ऊपर काफी तेजी से ये 1570-1580 के पास तक HDFC बैंक जा सकता है। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या जाके आप सर्च कर सकते हैं घनश्याम टेक एनालिसिस। ऑलरेडी 118,000 मेंबर वहां पे जुड़े हैं, तो आप भी वहां पे ज्वाइन हो सकते हैं। ICICI बैंक देखिए पिछले 3-4 दिन से अपने आप को होल्ड कर रहा था, अब इसने आके 643 के आसपास इसने क्लोजिंग किया है, तो इसका जो सपोर्ट है वो 625-30 के आसपास सपोर्ट है ICICI बैंक में। IDFC फर्स्ट यहाँ पे मेरा कोई व्यू नहीं है। इंडसइंड बैंक जब तक 1000 के ऊपर बना रहे आप स्टॉप लॉस जरूर 990-980 का क्लोजिंग बेसिस पे लगा के यहाँ पे बने रह सकते हैं। ये मूवमेंट अब 1020 के बाद एक मूवमेंट जो बनेगी वो 1060 के पास तक बन सकती है इंडसइंड बैंक में। कोटक बैंक ने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है, तो इसके लिए जो रेजिस्टेंस है वो भी 1820-1830 का जो जोन है वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। PNB में ऑलरेडी जिन्होंने पोजीशन बनाई है तो बने रहिए 43 के टारगेट के लिए। RBL बैंक ऑलरेडी इसको 200 पे रिकमेंड किया था आप लोग को 220 के टारगेट के लिए, तो ऑलरेडी हमारे टारगेट के आसपास पहुंच चुका है। और ध्यान रखिएगा ये ट्रेंड लाइन इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रही है, तो ये ट्रेंड लाइन पे फोकस करके रखिएगा। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर यहाँ पे कुछ दिन रुक जाए, यहाँ पे 2-3-4 दिन इस जगह पे होल्ड करने के बाद ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे तो बाइंग कीजिएगा 250 के टारगेट के लिए। SBI ऑलरेडी यहाँ पे देखिए काफ़ी अच्छी मूवमेंट SBI ने दे दिया है, तो SBI के लिए जो सपोर्ट है क्लोजिंग बेसिस पे वो 410 का है, तो 410 के लेवल पे आप यहाँ पे नज़र बना के रखिएगा SBI में। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।